हेलो यंगिस्तान। सो मैं हूँ रोहित। लास्ट टाइम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा चैप्टर, यूरोप एंड इंडिया। हमने काफी कुछ कंपेयर किया था लास्ट टाइम, कुछ डिस्कस भी किया था। आज का देखते हैं क्या क्या टॉपिक है जो हमें आज कवर करना है। तो पहला है, ये तो हो चुका था ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन इन यूरोप, है ना, रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्पीयर। अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहां से हमें कैच करना है। तो क्या है, इन द लेटर पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी देयर वर मैनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन यूरोप। अब जब इनोवेशंस हो रहे हैं तो क्या होगा, मशीनें नहीं बनेंगी, नई मशीनें बनेंगी जो स्टीम पे चल रही, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मशीन्स केम टू बी यूज इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स। रेलवे एंड स्टीमर्स बिगेन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो चारों तरफ डेवलपमेंट, ऐसे नहीं अलादीन का चिराग। तो यहाँ ओरिएंट वर्ल्ड में क्या था, अलादीन के चिराग से सब हो जाएगा। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी से सब कुछ जादू कर दिया, सारी दुनिया ही बदल गई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आते ही सब वर्ल्ड फैक्ट्री, माने पूरी दुनिया में फैक्ट्री फैक्ट्री और सब नए नए प्रोडक्ट बनने लगे, मशीनों का आविष्कार। अब इससे क्या होगा, इससे होगा राइज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि पैसे बनाने का, एक तरह से पैसे बनाने की होड़, यानी मनी इज एवरीथिंग। आप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो राइज ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स बिगिन अ न्यू इरा ऑफ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। मैनी ट्रेडर्स केम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू द सी रूट। इट वॉज नॉट इजी टू कैरी आउट ट्रेड सिंगल हैंडली एंड हैंस मैनी ट्रेडर्स केम टूगेदर स्टार्टेड ट्रेड। हमारी कंट्री में भी कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे वो हम ही पे रूल करने लगी। तो ये सारी की सारी बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनियां और उनके एम्प्लाईज निकले कि चलो यार एशिया में रिसोर्स निकालते हैं, ओरिएंट कंट्रीज में चलते हैं, ओरिएंटल वर्ल्ड में चलते हैं, ओरिएंटल कंट्रीज। वॉज वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड विद दीज कंट्रीज, कि पैसा कम देना पड़ेगा और मुनाफा ज्यादा होगा। सो दिस लेट एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इन यूरोप, चालू हो गया राइज ऑफ कैपिटलिज्म, पैसा बनाओ। उसके साथ एक और चीज थी, कॉलोनी बनाओ, कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइज्म। इसमें क्या, अच्छा इज्म का मतलब क्या होता है, इज्म का मतलब आइडिया, आइडिया ऑफ कॉलोनी, ठीक है, आइडिया ऑफ कैपिटल, कैपिटल माने पैसा बनाना है, कैपिटल माने पैसा, मनी से मतलब है। तो इज्म का मतलब ही आइडिया है, तो आइडिया ऑफ कैपिटल, आइडिया ऑफ कॉलोनी। अब जो अपनी कॉलोनी होगी तो ज्यादा रोक टोक नहीं होगी, तो व्यापार करने में सहूलियत होगी, ट्रेड होगा, कॉमर्स अच्छे से फ्लरिश होगा। तो अ पावरफुल कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्यूपाइज अनदर रीजन एंड एस्टैब्लिश इट्स पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। तो इंडिया के साथ तो यही हुआ, इंडिया बन गया ब्रिटिश कॉलोनी। आए थे वो लोग ट्रीट करने, लेकिन उन्होंने समझा यार अगर ये कॉलोनी बना देना, अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पे कर दे, तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे ट्रेड और कॉमर्स में। बना दिया उन्होंने, और लोगों में तो थे ही, लोग डिवाइडेड थे, बट गए। अब आता है इम्पीरियलिज्म। अब इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है, इज्म मीन्स जैसा मैंने आपको बताया क्या होता है, आइडिया, आइडिया ऑफ इम्पीरियल। अब ये क्या है, इसका मतलब एक पावरफुल कंट्री छोटे छोटे कंट्री के ऊपर डोमिनेंट डोमिनेशन करेगा, और डोमिनेशन करने के बाद उसके ऊपर जब उसकी स्टैब्लिश हो जाएगी पकड़ पूरी की पूरी, ठीक है, अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर देगा, डोमिनेट करेगा उसको, और उसके सारे रिसोर्स ले लेगा। मेनी कंट्रीज फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट फेल प्रे टू दिस इंपीरियलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द यूरोपियन नेशंस। क्या हुआ इससे कि जो एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जितने कंट्रीज थे, मैनी कंट्रीज, ये प्रे प्रे माने शिकार हो गए, विक्टम्स हो गए इस इंपीरियलिस्ट एस्पिरेशन का, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी। तो एक तरीका डोमिनेशन होता है किसके थ्रू, बड़ी यूरोपियन पावर के थ्रू, किसके ऊपर, अफ्रीका और इंडिया के, जो अफ्रीका और एशिया की जो कंट्रीज थी जिनमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। तो इंपीरियलिज्म का सीधा मतलब है, इंपीरियलिज्म का सीधा मतलब क्या है कि
एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री के ऊपर क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो एक तरह का डोमिनेशन जो है एस्टेब्लिशिंग थ्रू द पावर स्ट्रेंथ और उसके सारे रिसोर्स लेना, इसी को क्या कहेंगे, इंपीरियलिज्म कहेंगे। अब इंपीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मैं तो पहले से बोल रहा था आपको, 1600 में आई और जहांगीर उस समय एम्परर थे मुगल एम्पायर के, उनसे परमिशन ले लेगी भाई हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे सूरत में, ट्रेड करेंगे, और धीरे धीरे पूरा कंट्री वो लेके निकल गए। फिर स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब इंडिया में केवल इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश के साथ में फ्रेंच भी है, लेकिन सक्सेस कौन हुए, इंग्लिश सक्सेस हुए इंडिया में एज ए मास्टर ब्रिटिश कॉलोनी। तो ये फ्रेंच कॉलोनी नहीं बना, क्यों, क्योंकि दोनों राइवल्स थे, कंपटीशन हुआ और इस कंपटीशन में उनके प्यादे लड़े। जैसे नहीं पपेट का शो होता है कठपुतली वाला, तो नीचे कठपुतलियां लड़ती रहती है, ऊपर से कंट्रोल मास्टर कर रहा है। तो इस वार को कहते हैं कर्नाटिक वार्स। कर्नाटिक वार साउथ इंडिया में बहुत सारी लड़ाइयां हुई। इन द थर्ड कर्नाटिक वार इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस। Therefore, now there was no strong European competitor for British East India Company in India. अब ये कर्नाटिक वार में कौन कौन अहम अहम किरदार थे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कर्नाटिक वार जो थी ये स्टार्ट होती है 1745 से लेके 1763 तक, यानी ये 18 इयर्स तक चली, 18 साल तक ये लड़ाइयाँ चली। किसके बीच में, फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में। The Carnatic Wars refers to a series of military conflicts between the British East India Company and the French East India Company. दो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक फ्रेंच और एक ब्रिटिश है। जीतेगा कौन, जो इंडिया में रूल करेगा उस जमाने में वो था ब्रिटिश। Along with the role played by the Nawab of Karnataka and the Nizam of Hyderabad. तो इनके दो बड़े, जैसे नहीं कठपुतलियों के दो बड़ी कठपुतलियां थी, कौन थी, एक थे नवाब ऑफ कर्नाटक और एक थे निजाम ऑफ हैदराबाद। इन्हीं को लड़ना था, लड़ाने वाले कोई और। द कर्नाटिक वॉर्स वर सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडिल ऑफ 18 सेंचुरी। द कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व न्यूमरस नॉमिनली इंडिपेंडेंट रूलर्स एंड देयर वसल्स। अभी जो वसल्स थे कौन थे, जागीरदार। स्ट्रगल फॉर सक्सेशन, तो ये रूलर्स और वसल्स लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा, लड़ते रहते हैं। तो ये थी कर्नाटिक वॉर। ठीक है, आगे चलते हैं अपने चैप्टर में वापस और देखते हैं अब क्या रह गया। अब फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ इंडिया का, इंडिया कंपनी बंगाल। अब पहला हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा इस कंपनी का, वो बनेगा बंगाल में। द बंगाल प्रोविंस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस इन इंडिया दैट टाइम। इन 1756 एडी सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, बट ये उनको पसंद नहीं था इस कंपनी को, क्योंकि इसलिए कंपनी ऑफिसर्स मिस यूज द ट्रेड कंसेशन ऑब्टेन फ्रॉम मुगल एम्परर इन बंगाल। तो उसने भाई मना किया, तो उसने कहा ये फोर्टिफिकेशन नहीं होगा हमारे यहाँ। फोर्टिफिकेशन माने ब्रिटिश कॉलोनी अपना फोर्ट तैयार कर रही है फैक्ट्री में कोलकाता के पास। तो सिराजुद्दौला राज हो गया, बोला ये थोड़ी हमारे जहांगीर ने आपको इतने सारे सब फ्रीडम और इतनी सारी प्रिविलेज थोड़ी दी थी कि अब सेना भी रख लो और किले भी बना लो, बिजनेस भी कर लो, सब कुछ कर लो, यहाँ पे राजा मैं हूँ भाई। तो सिराजुद्दौला के साथ क्या होता है, कंपनी का कन्फ्लिक्ट होता है। जब कन्फ्लिक्ट होता है तो एक गद्दार मिल जाता है, और उस गद्दार का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव उसे कहता है तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें नवाब की गद्दी दे दूंगा। सिराजुद्दौला को हटाने के बाद सिराजुद्दौला के पीठ में खंजर भोंका जाता है, माने उनको धोखा दिया जाता है। ही वाज चीटेड बाय हिज सेकंड इन कमांड इन द बंगाल। वो सेकंड कमांड कौन था, मीर जाफर, जिसको ब्राइब यानी पैसे मिल गए और लॉलीपॉप मिल गए कि भाई वो बनेगा अगला नवाब। तो उसको उन्होंने ड्रीम्स दिखा दिए रॉबर्ट क्लाइव ने। लड़ाई होती है सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ट्रुप्स की प्लासी के मैदान में, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफर द नवाब आर्मी मेड टू मूव टू एक्चुअली ज्वाइन द बैटल एंड हेंस सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। लेकिन मीर जाफर के अंडर में जो नवाब की आर्मी होती है वो चली जाती है, ब्रिटिश के साथ खड़ी जाती है, तो क्या होगा, वो तो हार ही जाएगा मीर सिराजुद्दौला। अब कौन बना, अब बन गया मीर जाफर, बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश। लेकिन ये पपेट रूलर है, क्यों, उनका प्यादा है। ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हैज हिज सन इन लॉ मीर कासिम वाज मेड द नवाब।
Mir Qasim tried to put restriction on the illegal trade of protection. Hence, once again, Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. अब उसका बन जाता है जो सनिल्ला होता है, मीर कासिम बन जाता है मीर जाफर के बाद. लेकिन वो भी ब्रिटिश के ऊपर क्या करता है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो वापस फिर मीर जाफर को आना पड़ता है. टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश इन द बंगाल, मीर कासिम सिराजुद्दौला द नवाब अयोध्या एंड मुगल एम्परर शाह आलम फॉर्मड अलायंस एंड रन ए कैंपेन इन 1764-80. बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉर्ड इन बिहार. अब यहाँ पे मीर कासिम, अब ये सिराजुद्दौला नहीं, सॉरी ये सुजाउद्दौला है. सुजाउद्दौला तो मारा गया बेचारा प्लासी के मैदान में, प्लासी के युद्ध में 1757 AD को. मीर जाफर ने उसके साथ क्या की, तरह से गद्दारी की, उसके साथ चीट किया, वो मारा गया. अब मीर कासिम जो सन इल्ला था मीर जाफर का, और सुजाउद्दौला अयोध्या के नवाब, और मुगल एम्परर शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर अलायंस बनाया और बैटल ऑफ बक्सर होती है. लेकिन फिर से कंपनी क्या होती है, आफ्टर दिस बैटल ईस्टर्न कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल. तो फिर से जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या ट्रिक थी, फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल. तो वो ट्रिक से काम करते थे, होशियारी से काम करते थे. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे रोकते हैं. और हमारा एक टॉपिक रह गया है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब से, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध, यानी केसरी की थोड़ी सी कहानी है इसमें, नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा. और बस फिर चैप्टर खत्म, लास्ट एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर. सो एंजॉय दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच.